ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा IELTS का एग्ज़ाम जुलाई के लास्ट में होने वाला है। इसकी काफ़ी डेट चेंज हो चुकी है, तो अब उम्मीद है कि ये एग्ज़ाम ज़रूर हो लास्ट में। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, आपने अपनी तैयारी कर रखी होगी सब लोगों ने। तो अगर आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं, अपने टेस्ट लेना चाहते हैं, तो आपको ये बुक जो है ज़रूर लेनी चाहिए। इसमें चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर दे रखे हैं, आई मीन उनका आंसर भी साथ में दे रखा। आपको ये झंझट नहीं रहेगी कि पीछे देख के आंसर चेक करो, वो अच्छा नहीं लगता, उसमें टाइम लग जाता है। तो आप क्वेश्चन को देख के पहले अंदाज़ा लगाइए और फिर नीचे आंसर चेक कर लीजिए। बहुत अच्छी बुक है, इसमें सब बहुत कुछ दे रखा है, हमारा IELTS का पूरा कोर्स कवर कर रखा है। मुझे तो ये बुक बहुत अच्छी लगी, आप अगर चाहते हैं तो आप भी इस बुक को ज़रूर खरीदें। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 295 रुपीज़ है, लेकिन ये 250 की पड़ी है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इस बुक में है क्या। इसमें पूरा हमारा पहले जो सिलेबस है वो दे रखा है, ड्रामा, पोइट्री, कोर्स, ग्रामर भी दे रखी है। इसमें जो क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं उनको दे रखा है, जैसे जो एग्ज़ाम होते रहते हैं, नेट का एग्ज़ाम है, और TGT PGT के जो पहले एग्ज़ाम हुए हैं, और जो और GIC लेक्चर, डाइट, RPSC, KVS, PGT, आई मीन बहुत सारे यहाँ पर दे रखे हैं। सभी के क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, 5 to 75। आई मीन देखिए, इतने सारे क्वेश्चन ये लोग पिछले लेके आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा ज़रूर इन क्वेश्चंस में से। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, तो देखिए फिक्शन का दे रखा है यहाँ पे, महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ क्वेश्चन। महात्मा गांधी वाज बॉर्न 1869। आंसर भी यहाँ पे है, आप इस तरह से फिंगर रख कर अपना आंसर चूज़ कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं फिंगर हटा के कि आंसर सही है या नहीं। इस से सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस तो कवर नहीं है स्टार्टिंग में। थिंग्स फॉल अपार्ट, एनिमल फॉर्म, इस तरह की विलियम गोल्डिंग का लॉर्ड ऑफ द फ्लाई। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डिटेल में भी दिया हुआ है। सिर्फ विलियम शेक्सपियर को ले लेते हैं हम, विलियम शेक्सपियर के बारे में यहाँ पे एग्जाम पॉइंट्स आप देख सकते हैं। इस तरह से जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेस अपियर्ड इन, राइट आंसर 62। तो इसके बारे में डिटेल में अब बता रखा है क्या है। द फर्स्ट फोलियो इज द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर प्ले, पब्लिश इन 1623। 7 years आफ्टर हिज डेथ ही रोट अराउंड 37 प्लेस, 36 ऑफ विच आर कंटेन्ड इन द फर्स्ट फोलियो। तो एक इसमें नहीं था पेरिकल, वो उसमें ऐड नहीं किया गया था। इस तरह से भी दे रखा है इसमें। मुझे तो ये बुक बहुत अच्छी लग रही है, आप भी अगर चाहें तो खरीद सकते हैं इसको। सेकेंड इज विलियम वॉर्डस्वर्थ, फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल पाए कौन सी बुक बोल रही हूँ और पढ़ें।
देखिए इसमें ग्रामर का भी दे रखा है, टेंस एंड पार्ट ऑफ स्पीच. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वर्ब ड्वेल. द टेंस इज ड्वेल. इस तरह से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो दे रखे हैं. अब जो क्वेश्चन आए हुए हैं ज़रूरी ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर हमें एक बेस पता चल जाता है कि ये आना है या नहीं. थोड़ा अपना कंफ्यूजन ही क्लियर कर लेंगे तो आप इसको ले सकते हैं.